हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। और आज मैं जा रहा हूँ बहुत ही अच्छी लोकेशन जिसका नाम है ऋषिकेश एंड हरिद्वार। तो बहुत मजा आने वाला है, चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालने हैं 2-4 रुपए जो कि हमें ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम आ गए हैं ATM और यहाँ से निकालते हैं 10-5 रुपए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खुल जा खुल जा, सिम सिम खुल जा। 2000 का नोट नहीं निकालना है मुझे, 2000 के हो चुके हैं बंद। आ जा। ओके, थैंक गॉड खुले रुपए मिल चुके हैं। जो ट्रिप होने वाली है दिल्ली टू हरिद्वार होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं आपको घुमाने वाला हूँ यहाँ से हरिद्वार तक का सफर करके दिखाता हूँ। फिर आपको हरिद्वार एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा कि हरिद्वार में क्या क्या चीजें देखना है और कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो, कितना यहाँ से किराया लगता है, कैसे आप यहाँ से हरिद्वार जा सकते हो, वो सारी चीजें। पहले आपको यहाँ से हरिद्वार तक का सफर दिखाता हूँ और फिर आपको हरिद्वार की लोकेशन दिखाऊंगा। कितनी प्यारी प्यारी जगह है, आप देखेंगे ना आपका मन करेगा बार बार जाने के लिए। तो हरिद्वार जाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी पड़ेगी पुरानी दिल्ली से टिकट हरिद्वार की, वो मिलेगी हमें सीधा दिल्ली से मसूरी एक्सप्रेस जाने वाली ट्रेन की। तो हरिद्वार जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा, उसके बाद आप मतलब टिकट के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, बट पैसे आपको ज्यादा इकट्ठे नहीं करने, बहुत सस्ता है। अगर आप हरिद्वार का प्लान बनाते तो बहुत सस्ता प्लान बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आना है शाम को, यहाँ से आपको 10:30 बजे मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन जाती है जो कि सीधी हरिद्वार जाती है, मात्र 100 रुपए में, 105 रुपए का टिकट है। तो टिकट की लाइन देखो कितनी लंबी लंबी। अगर आप कभी भी जाने का प्लान करते हैं सबसे पहले आपको थोड़ा जल्दी आना है क्योंकि टिकट की लाइन यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लगी होती है, देख पा रहे हैं आप। तो मसूरी एक्सप्रेस हमेशा 13 नंबर प्लेटफॉर्म से छूटती है जो कि अभी आने वाली, जस्ट इससे पहले ही मैं आ गया हूँ क्योंकि अगर आपको जनरल डिब्बे से जा रहे हो तो आपको सबसे पहले आना पड़ता है। तो हरिद्वार जाने के लिए अगर आप बहुत ही सस्ता प्लान बना रहे हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे जनरल डिब्बे का टिकट ले सकते हैं जो कि सिर्फ 105 रुपए का है और मैंने ले लिया है। और ये ट्रेन मसूरी एक्सप्रेस के नाम से है और ये जाती है 13 नंबर प्लेटफॉर्म से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। सुबह 6 बजे हरिद्वार आपको उतार देगी, पूरा दिन आपको मिलेगा घूमने के लिए। तो सबसे बेस्ट ट्रेन है, यहाँ से आप बैठेंगे सोते हुए जाएंगे, सुबह 6 बजे उतर जाएंगे हरिद्वार। तो ट्रेन का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लोग लटक लटक के देख रहे हैं, देख रहे लोगों से सवार नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत चूहे, देखो कितने बड़े बड़े चूहे हैं, देख रहे हो कितने बड़े बड़े चूहे पाल लिए हैं इन्होंने। फाइनली ट्रेन अपनी मिल चुकी है और ये रहा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और ये रहा हमारा बोगी, काफी सारे लोग भीड़ भर चुकी है। तो ये ट्रेन जाएगी सीधी हरिद्वार और ये ट्रेन पहुंचेगी सुबह 6 बजे, 6 बजे तक आपको दिखाते हैं ट्रेन के अंदर का व्यू। ट्रेन अपनी काफी लेट हो गई, इसका 10:25 का टाइम है लेकिन ये 10:35 पे छूट रही है। भीड़ का बुरा हाल है भाई, लोग लटक लटक के जा रहे हैं गेट पे, बहुत बुरा हाल है। भीड़ देखो किस कदर है, लटक लटक के लोग जा रहे हैं गेट पे, लटक के जा रहे हैं। हरिद्वार, आमची हरिद्वार रेलवे स्टेशन एंड फाइनली हम आ चुके हैं हरिद्वार, फाइनली लैंडेड ऑन हरिद्वार। तो अभी आ चुके हैं हम भोले की नगरी हरिद्वार में और अब आपको दिखाएंगे हरिद्वार का बहुत ही खूबसूरत माहौल जो मिलेगा आपको हरि की पौड़ी में देखने को। तो हरिद्वार एक ऐसी चीज है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हरि की पौड़ी, सबसे
पवित्र स्थल बनाया हुआ है जो हम आज देखने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यहाँ पे दूर दूर से भीड़ आती है, बहुत दूर दूर से भीड़ आती है यार। तो सब कुछ हो चुका है, फ्रेश हो चुका हूँ, माइंड फ्रेश कर लिया है, मुंह धुल लिया है, बाल भी सही कर लिए। अब निकलते हैं देहरादून से। चला ये बार बार देहरादून क्यों आया था, इतनी बार देहरादून आ चुका हूँ ना, मतलब जुबान पे देहरादून लट चुका है। दरअसल अभी मैं जा रहा हूँ हरिद्वार एक्सप्लोर करने। स्वागत है आपका शंभु नगरी हरिद्वार में, और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे भोलेनाथ की नगरी में। आपको मिलेगा बहुत कुछ देखने को, बहुत खूबसूरत ये स्टेशन बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत से इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो स्टेशन के बाहर ही भोलेनाथ की एक प्रतिमा मिलेगी, कितनी खूबसूरत है, इतने सारे लोग फोटोज वगैरह खिंचा रहे हैं। वाह, ये मेरे पीछे आप देख पाएंगे, ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। देखो कितने सारे लोग फोटो खिंचा रहे हैं, कितनी खूबसूरत प्रतिमा। यही वाली प्रतिमा आपको ऋषिकेश में देखने को मिलेगी, आपको ऋषिकेश में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने वाले अपने कल्चर पड़े सीधे हर की पौड़ी के लिए। हर की पौड़ी के लिए यहाँ पे ई रिक्शा मिल जाते हैं, ये आपको 20 रुपए लेते हैं, तो आप आ सकते हो। तो अगर आप जाना चाहते हैं इनसे जा सकते हैं, बट मैं पैदल ही जाना चाहूँ, क्योंकि जस्ट थोड़ी सी दूर है। ई रिक्शा में बैठने का यही नुकसान है कि देखो सारे के सारे ई रिक्शा रुके पड़े हैं, बट आप अगर पैदल जाते हैं तो आराम से निकलते चले जाओगे, क्योंकि सुबह सुबह में इतनी ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है हर की पौड़ी जाने वालों की। फाइनली हर की पौड़ी इज हियर। तो स्टेशन से हर की पौड़ी की वॉकिंग डिस्टेंस सिर्फ 20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप अगर वॉकिंग से आना चाहते हो तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ई रिक्शा पीछे ही रह जाते हैं। हर की पौड़ी में आते ही बहुत ही खूबसूरत माहौल दिख रहा है, कितने सारे भक्त जन आए हुए हैं, और बहुत ही प्यारा मूवमेंट है। भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि मॉर्निंग हुई है ना अभी, तो सुबह ही सुबह सबसे ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि लोग नहाने के लिए आते हैं। लीजिए सुबह ही सुबह कर लीजिए गंगा दर्शन, ये रही गंगा जी, आप कर लीजिए गंगा दर्शन, कितना खूबसूरत माहौल है। ओह माय गॉड, ये होती है प्यारी प्यारी मॉर्निंग, मॉर्निंग में इतना खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिले, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, क्या ही हो सकता है इससे अच्छा। माय गॉड, क्या ही खूबसूरती है यार, क्या ही खूबसूरती, देख रहे हो। तो ये हरिवी पौड़ी का वो स्थान है जहाँ से हर शाम को बहुत ही प्यारी आरती होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। हरिवी पौड़ी की आरती जो है बहुत ज्यादा फेमस है, यहीं पे शाम को शुरुआत होती है, और यहाँ से इतनी ज्यादा जो भीड़ है सारी की सारी यहीं बैठती है, शाम को आरती का आनंद लेती है। बहुत ही प्यारा व्यू आता है यार, देख रहे कितनी सारी भीड़ है, बाप रे, इसे बोलते हैं हरिद्वार, माय गॉड। अब आपको दिखाते हैं इस तरफ का व्यू, जहाँ पे गंगा जी का बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव चलता है। इस तरफ थोड़ा कम कर दिया लोगों को नहाने के लिए, बट ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत बड़ा प्रभाव चलता है, यहाँ पे पानी का देख रहे कितना तगड़ा प्रभाव चल रहा है। माय गॉड, ओ माय गॉड, व्यू देखो यार, आप थोड़ी देर के लिए व्यू देखो, किस कदर खूबसूरत, सुबह की सनराइज हो रहा हो और पानी कदर बह रहा हो, भाई क्या ही खूबसूरत लग रहा है यार, क्या ही खूबसूरत लग रहा है।
यहाँ पे गंगा जी को बिल्कुल एक कर दिया है, मतलब मिला दिया है। यहाँ से आप देखेंगे बिल्कुल गंगा जी को एक कर दिया है दोनों तरफ। बट इससे पीछे जो था वहाँ पे थोड़ा सा पतला सा एक थोड़ा सा एरिया रख दिया था नहाने के लिए, वो बहुत प्यारा लगता है, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा गहरे पानी में ना जाए। फिर भी यहाँ पे रेलिंग लगाई हुई है जिससे कोई भी पर्सन ज़्यादा अंदर ना चला जाए नहाने के लिए। तो ये वो स्थान है जहाँ से शाम को 7 बजे गंगा आरती होती है और बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ पे, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस आरती है। इस तरफ एक छोटा सा डैम भी है जहाँ से पानी जो है दूसरी नदी के लिए मतलब निकाला जाता है गंगा जी से, बट अभी बंद कर रखा है, खोला नहीं है, तो हल्का हल्का सा पानी आ रहा है, ये पूरा सूखा पड़ा है। बट यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो गंगा जी से पैसे वगैरह निकालते हैं, ढूंढते हैं, इसमें पैसे मिल जाते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं हर की पौड़ी का पवित्र स्थल, काफी सारे लोग नहा रहे हैं पीछे, और ये गंगा जी यहाँ बह रही है, बहुत अच्छी खूबसूरत आवाज। यहाँ पे खड़े होकर आप देखेंगे थोड़ी देर, आप फील करेंगे कि बहुत ही सुकून वाला साउंड आता है इस पानी से, और कितना सुकून वाला पल है ये, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा साउंड आता है पानी से, बहुत खूबसूरत भी लगता है यार देखने में। हर की पौड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बहुत प्यारी चीज़ें हैं। यहाँ से देखो और भीड़ भाई, कितनी भीड़, भयंकर भीड़, खतरनाक भीड़ सुबह ही सुबह यार, कितने सारे लोग दूर दूर से आते हैं, पूरी ट्रेन समझो हरिद्वार पे आके खाली हो जाती है, इतनी भरी हुई ट्रेन हरिद्वार पे आके खाली होती है, कितना प्यारा मोमेंट है यार। यहाँ पे कितने सारे लोग नहा रहे हैं, कितनी प्यारी वाइब आ रही, देख रहे हो इतने सारे लोग नहा रहे हैं सुबह ही सुबह आके, अपने घर से आते हैं हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए, और काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में भीड़ आई हुई है यार। शाम को यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है यहाँ की आरती, गंगा आरती, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। बट मैं नहीं देख पाऊँगा, मेरे को जाना है यहाँ से ऋषिकेश, तो मैं अभी थोड़ा आपको पूरा हरिद्वार थोड़ा दिखा देता हूँ हरी पौड़ी, उसके बाद फिर आ जाऊँगा ऋषिकेश। तो गंगा मैया में हम नहा तो नहीं सकते क्योंकि मेरे को बैक की टेंशन है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आनंद ले ही सकते हैं। गंगा मैया में काफी लोग नहा रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है पल, बहुत खूबसूरत पल है यार। अरे इन सबको नहाते हुए देखना, मन तो मेरा भी कर रहा है, मैं भी नहाऊं, मैं भी तैयार हूँ, मेरे को स्विमिंग करना आता है बहुत अच्छा से आता है, तो मैं सोच रहा हूँ यार स्विमिंग करूँ थोड़ी सी, लेकिन डर इस बात का मेरे साथ कोई है नहीं, मेरा बैग देखने वाला, मेरे फोन देखने वाला, मेरे पास थोड़े कॉस्टली फोन है इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता ऐसे, बहुत डेंजर माहौल होता है यहाँ पे, लोग बैग भी चुरा सकते हैं, फोन भी चुरा सकते हैं। मेरे लोग किस कदर मजे ले रहे हैं, भाई 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 क्या ही प्यारा व्यू है यार, देखो कितनी खूबसूरत जगह है और कितने प्यारे प्यारे लोग हैं। तो ये है हर की पौड़ी की सबसे बेहतरीन लोकेशन, यहाँ पे आप खड़े होकर पूरा का पूरा हर की पौड़ी एक नजर में देख सकते हैं। यहाँ से देखिए आप किस कदर व्यू आता है यार, किस कदर प्यारा व्यू आता है। सामने भोलेनाथ जी की प्रतिमा है, आपको दिख पा रही होगी, काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा है, उसके पास तक जाने की कोशिश करूँगा अगर रास्ता होगा तो कहीं ना कहीं से। बाकी आप यहाँ से पूरा हर की पौड़ी एक नज़र में देख सकते हैं, ये है हर की पौड़ी की खूबसूरती, देख रहे हैं चारों तरफ से सिर्फ आपको हर हर महादेव हर हर भोले, इन्हीं की खूबसूरत वाली आवाज़ें आपको आती मिलेंगी। और यहाँ पे कुछ लोग इसी तरह से स्नान कर रहे हैं, वाह ये है मोमेंट, ये मोमेंट आपको लाइफ में जरूर एक बार जीना चाहिए यार। तो हर की पौड़ी आना बहुत सिंपल और बहुत आसान है, कहीं से भी हो, कहीं से भी रहते हो, आपको सबसे पहले एक जनरल ट्रेन पकड़ लो, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो जनरल डिब्बे में बैठ जाओ और सो जाओ, शाम को पकड़ो ट्रेन, मॉर्निंग में यहाँ आ जाती है, और यहाँ मॉर्निंग में आते ही आपको इस कदर प्यारा व्यू आपको देखने को मिलेगा। मुश्किल से 100-150 रुपए की टिकट होती है एक तरफ की, अगर मैं नई दिल्ली से आया हूँ, आई मीन पुरानी दिल्ली से आया हूँ, तो 105 रुपए की टिकट मिली, बाकी आप कहीं और से आएंगे तो उसके हिसाब से आपको टिकट मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको लाइफ में एक बार जरूर विजिट करना चाहिए यहाँ पे।
ये एक दूसरी लोकेशन है, यहाँ से आपको इस प्रकार का व्यू दिखेगा, किस कदर खूबसूरत लगते हैं इतने सारे लोग और इतने सारे मस्त ब्रिज और ऊपर से गंगा मैया की खूबसूरती। वाह, मतलब देखते ही बनती है यार इतनी खूबसूरती। अब यहाँ से देखते हैं गंगा मैया जी की खूबसूरती, देखो ये रहा ब्रिज और किस प्रकार से पानी यहाँ पे चमक रहा है, खूबसूरत पानी लहर रहा है, क्या ही खूबसूरती यार, माय गॉड। तो अभी मैं वहां से घूमते 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 यहाँ से आया हूँ, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे ये भोलेनाथ की स्टैचू के सामने से फोटोज लेनी है, वीडियोज भी बनानी है, आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से खूबसूरत दिखती है। खूबसूरती देखो यार यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है, हरी की बॉडी दूर से देखने पे कितना खूबसूरत लग रहा है। इस पार्क का नाम है स्वामी विवेकानंद पार्क, जहाँ पे शंकर जी की इतनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है जो हरी की पौड़ी से बहुत खूबसूरत दिखती है। ये पीछे से व्यू आता है इसका, बट यहाँ से आपको फ्रंट से दिखाते हैं आप। तो ये है वो खूबसूरत मोमेंट, क्या ही प्यारा व्यू लग रहा है भाई, देख रहे हो। इनको देखने के लिए मैं वहाँ से पूरा घूम के आया था, क्योंकि इनको पीछे से देख पा रहे थे हम हरी की पौड़ी से, बट शंकर जी को हम सामने से नहीं देख पा रहे थे, इसलिए ये रहा सामने का व्यू। वाह, तो ये है भोलेनाथ जी की सबसे बड़ी प्रतिमा, जो कि बिल्कुल ही सामने ही लगी हुई है। हर की पौड़ी से आपको पीछे का पार्ट दिखेगा, बट आप सामने घूम के आएंगे तो आपको सामने से ये कितना प्यारा व्यू दिखता, माय गॉड क्या ही व्यू आ रहा है, देख रहे हो हर की पौड़ी का, माय गॉड कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है इतनी दूर से, देखोगे आप कितना प्यारा लग रहा है। हर की पौड़ी मेरे पीछे ही है, अब मैं आपको दूसरे एंगल से घुमा के लेके जा रहा हूँ, आपको वहां से दिखाते हैं किस प्रकार से दिखता है हर की पौड़ी का व्यू, और भी कई सारी चीजें हैं। तो ये वही डैम है जो मैंने आपको वहां से दिखाया था कि ये बंद पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ घूम के, और ये देखो थोड़ा सा मतलब चल रहा है थोड़ा बहुत पानी, बट बिल्कुल बंद कर रखा है, जिससे कि पानी का बहाव उस तरफ रहे और लोगों को थोड़ा देखने में फीलिंग अच्छी आए। बाकी यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पानी में से पैसे वगैरह निकालते हैं, यहाँ पे देखो काफी सारे लोग ये देखो घूम रहे हैं, ये देखो नीचे जिनको यहाँ पे पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि जो ब्रिज से जो लोग निकलते हैं वो इस प्रकार से पैसे फेंक देते हैं नीचे, तो इनका भी काम चल जाता है। बट बहुत ही अच्छी जगह देख पा रहे हैं, ये रही अपनी हर की पौड़ी जो आपने देखी, मैंने आपको पूरा दिखाया, पूरा व्यू दिखाया किस प्रकार से आप घूमने आ सकते हो, कितना खर्चा रहेगा। तो मेरे पीछे ये था हर की पौड़ी जो कि मैंने आपको पूरा घुमाया, कितना अच्छा था, कितना खूबसूरत लग रहा था, ये पूरा का पूरा हर की पौड़ी है जो आप देख पा रहे थे, जितनी देर से मैं आपको घुमा रहा था। तो ये ट्रिप यहीं पे एंड करते हैं, ये था हरिद्वार का हर की पौड़ी, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत प्लेस है, देख पा रहे होंगे आप अभी भी, मतलब मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, लेकिन मेरे को अभी और भी घूमना है। तो ये था हर की पौड़ी का ब्लॉग, तो हर की पौड़ी की ब्लॉग में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। सो फाइनली त्रिवेणी घाट इज हियर एंड हम उतर रहे हैं त्रिवेणी घाट की सीढ़ियों पे, और ये मेरी साइकिल यहाँ पे कैसे खड़ी है, अच्छा ये दूसरी हरक्यूलस की है, मुझे लगा मेरी वाली साइकिल है सायांग वाली। त्रिवेणी घाट का बहुत ही खूबसूरत व्यू, जहाँ पे काफी सारे लोग दूर दूर से आए हुए हैं, दूर दूर से आके नहा रहे हैं, और ये देखो किस कदर खूबसूरत लग रहा है, लोग बहुत मजे ले रहे हैं नहाने आगे, मेरे का भी मन कर रहा है नहाने का, मैं नहा ही लेता हूँ।